दुर्गेश क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें। जानते हैं सक्षमता परीक्षा काउंसलिंग का अपडेट। तो स्क्रीन पर जैसा कि आप देख सकते हैं, सक्षमता परीक्षा 1 के उपरांत काउंसलिंग हेतु आवश्यक प्रमाण पत्रों की सूची, जो आपको डॉक्यूमेंट ले जाना है काउंसलिंग हेतु, वो आपको निम्न प्रकार से यहाँ पे बताया गया है और वही सब आपको साथ में ले जाना है। आगे देखते हैं। पहला है आधार कार्ड, दूसरा मोबाइल नंबर OPT प्राप्त करने हेतु जो आधार में ऐड होना चाहिए, तीसरा देखें मैट्रिक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, चौथा है इंटर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, पाँचवा है स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। जैसा कि लिखा हुआ है क्लास 6 to 8 एवं 9 to 10 के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए ही है। आगे देख सकते हैं स्नातोत्तर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र क्लास 11 to 12 के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। सातवां नंबर में देख सकते हैं प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। आगे देख सकते हैं आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, ये भी आपको अवश्य ही ले जाना है अपने साथ जाति प्रमाण पत्र। आगे देखते हैं दक्षता टेट अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, या तो आप दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण किया हो या TET का, दोनों में से आप जो भी पास की हो उनका प्रमाण पत्र और अंक पत्र ले जाना है। और आगे देखते हैं नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्ति पत्र, जो नियोजन इकाई के द्वारा जब आप नियोजित शिक्षक में ज्वाइन किए होंगे जो आपको नियोजन पत्र मिला होगा वही आपको नियुक्ति पत्र आपको ले जाना है। और आठवें नंबर में देखें दिव्यांग आवेदकों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ले जाना है। और नौवें कॉलम में देखें NCL प्रमाण पत्र, दसवां में देखें तो EWS प्रमाण पत्र, ग्यारहवां में आवासीय प्रमाण पत्र और बारहवां में है फोटो रंगीन पासपोर्ट साइज में आप ले जाइएगा, कम से कम 4 फोटो लेके ही जाना है। आगे देखते हैं 13वां कॉलम में देखें सक्षमता परीक्षा का जो आपको एडमिट कार्ड की छाया प्रति जो था आपके पास, संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया हुआ ही ले जाना है आपको। उसके बाद आपको ले जाना है सक्षमता परीक्षा का मार्कशीट और 15वां EPF पासबुक, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, EPF पासबुक भी आपको रख लेना है। ये वैसे लिया नहीं जाएगा लेकिन मांगने के यदि आपको मांगा जाएगा तो आपको ज़रूर ये पासबुक आपको अपने साथ ले जाना है EPF का। 16वां देखिए ईमेल ID, आवेदन करते समय जो दिया गया था वही ईमेल ID आपको ले जाना है। मोबाइल नंबर, वही मोबाइल नंबर देना है आपको जो आवेदन करते समय जो दिया गया था, क्योंकि उसी से वेरीफाई होगा OPT आधार से। आगे देखते हैं सैलरी अकाउंट पासबुक, आपको पासबुक भी ले जाना है। उसके बाद सेवा पुस्तिका, आपको सेवा पुस्तिका भी रखना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको काउंसलिंग में आपको सेवा पुस्तिका आपसे मांगा जाए, लेकिन आपको साथ में अवश्य ही लेके जाना है। उसके बाद है सभी प्रमाण पत्रों को 2-3 छाया प्रति अलग अलग फाइल में, जो जितने भी प्रमाण पत्र हैं या वो दसवीं के मार्कशीट हो, अंक पत्र हो, सभी के कम से कम 3 फाइल आपको बना लेना है अलग अलग और सभी पर अपना सिग्नेचर स्व अभिप्रमाणित कर देना है। आगे देखते हैं
सभी प्रमाण पत्र की मूल प्रति और जितना जितने भी आप जैसे आपने 3 फाइल बनाए हैं, फ़ोटो कॉपी किए हुए हैं, तो उन सभी का जो मूल प्रमाण पत्र होगा वो भी अपने साथ अवश्य ही ले जाए। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में अवश्य ही शेयर करें। धन्यवाद।